वेलकम टू मार्गदर्शन चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14 का सेकेंड पार्ट, ठीक है, जो था क्या था, पारितंत्र। पिछला क्लास में हम लोगों ने देख लिया था जो पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र का कितना प्रकार होता है, यानी प्राकृतिक पारितंत्र के बारे में और कृत्रिम पारितंत्र के बारे में देख लिए थे, ठीक है। प्राकृतिक पारितंत्र का भी उदाहरण लेके देख लिए थे, उसके बाद कृत्रिम पारितंत्र का भी उदाहरण लेके देख चुके थे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे शुरू करते हैं। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ कंपटीशन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये नीट का एग्जाम हो गया, उसके बाद जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम है सबके लिए पारितंत्र बहुत ज़्यादा जरूरत है, ठीक है। इसके बाद सीटेट का एग्जाम हो गया, सबके लिए जरूरत है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए आगे देख रहे हैं पारितंत्र के घटक। तो पारितंत्र जो होता है उसका कितना घटक होता है, तो कोई भी पारितंत्र है दो घटक से मिलकर बना होता है, एगो जैविक घटक, दूसरा अजैविक। जैविक मतलब सजीव घटक, अजैविक मतलब निर्जीव घटक, ठीक है। तो पारितंत्र के घटक, एक पारितंत्र में निम्नलिखित दो सामान्य रूप से घटक देखने को मिलते हैं, कौन कौन, एगो अजैविक घटक जिसको निर्जीव घटक भी कहते हैं, दूसरा जैविक घटक जिसको क्या कहते हैं, सजीव घटक भी कहते हैं। आगे देखिए, अब पहला देख लेते हैं अपना लोग कौन सी, अजैविक घटक, ठीक है। अजैविक घटक क्या होता है या निर्जीव घटक, देखिए किसी भी पारितंत्र में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ उसके क्या कहलाते हैं, अजैविक घटक कहलाते हैं। कोई भी पारितंत्र में जो निर्जीव पदार्थ है, जैसे मान लीजिए जल, वायु, मृदा, ये सब हो गया अजैविक घटक। जैविक घटक में क्या क्या आएगा, जैविक घटक में आता है जैसे मान लीजिए जितना भी सजीव है वो सब किस में आएगा, जैविक घटक, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अजैविक घटक में देखिए पहला चीज आ रहा है अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है। इसका आप पहले अपना लोग पहले भी थोड़ा थोड़ा इसके बारे में देख लिए थे, ठीक है, लेकिन अब उसका पूरा डिटेल देख, ठीक है। अजैविक घटक में देखिए पहला कौन सा है, अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ जैसे मान लीजिए सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब जो है कौन चीज़ है, ये सब आपको क्या कहते हैं, अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है। इससे कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण होता है, इससे कौन पदार्थ का संश्लेषण होता है, कार्बनिक पदार्थ, सल्फर, ये सब, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब जो है इससे कौन पदार्थ का संश्लेषण होता है, कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण किसके द्वारा, तो उसके लिए जो है इन सब पोषक तत्वों का पारितंत्र में क्या होता है, चक्रण होता है, यानी साइकिल, मतलब एक बार खत्म हुआ फिर इस जीव से दूसरे जीव में, फिर दूसरे तीसरे जीव में, फिर वायुमंडल में, फिर वायुमंडल से जीव लिया, फिर जीव से, एक जीव से दूसरे जीव में, तीसरे जीव में, फिर जाते जाते, फिर मतलब इस तरह से चक्रण क्या होता है, चलते रहता है, जिससे फिर पारितंत्र में जो है ये सब तत्व जो रहता है क्या रहता है, मेंटेन रहता है, बना हुआ रहता है, ठीक है। जिस कारण से सभी तंत्र में उपलब्ध रहते हैं, मतलब चक्रण के कारण ही, जिस कारण से ये सभी तंत्र में क्या रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं। सबसे पहले इसका उपयोग पौधा करता है, यानी उत्पादक करता है, जो भी मतलब जितना भी पदार्थ रहता है, यानी सल्फर, कार्बन, सबका पहले कौन उपयोग करता है, उत्पादक करता है, उससे फिर कौन करेगा, उसका कुछ पार्ट उत्पादक अपने में यूज करेगा, फिर जो बचा उसके बाद उसका कौन उपयोग करेगा, तो उसके बाद उपयोग करता है प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय को उपभोक्ता, फिर द्वितीय को उपभोक्ता, तृतीय को उपभोक्ता, फिर अपघटित होकर फिर वातावरण में आ जाता है, ठीक है। उत्पादकों से ये जंतु उपभोक्ताओं में पहुंचा, उत्पादक के बाद कहाँ जाता है, उपभोक्ता में जाता है, जहाँ से मुक्त होकर फिर से ये पर्यावरण में आ जाते हैं, उसके बाद फिर अपघटित होकर पर्यावरण में चलाता है, ठीक है। यह चक्र सदा क्रमानुसार चलता रहता है, ये चक्र सदैव चलता रहता है, जिसके बाद पर्यावरण में जितना भी तत्व है उस वो हमेशा क्या रहता है, मेंटेन रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आता है कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, ये भी क्या है, अजैविक घटक है, ठीक है। जीवों की मृत्यु के बाद कार्बनिक पदार्थ वातावरण में मिलते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो अपघट प्राप्त उत्पादक खाया, उत्पादक के बाद उसको उपभोक्ता खा लिया, उपभोक्ता के बाद उसका अपघटन हो गया, फिर उससे निकला और कार्बनिक पदार्थ किस में चल गया, वातावरण में चल गया। तो जीवों की मृत्यु के बाद कार्बनिक पदार्थ वातावरण को मिलते रहते हैं, इसका अपघटन होने के से अकार्बनिक पदार्थ उपलब्ध होते हैं, ठीक है। मुख्य कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड इत्यादि, ठीक है। इसके द्वारा पारितंत्र में जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे से क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है।
तो अकार्बनिक पदार्थ यूज किया, फिर लास्ट में अपघटन के बाद कार्बनिक पदार्थ आ गया वातावरण में, फिर उसका यूज करेगा, फिर जो है मतलब उत्पादक यूज किया, फिर उसके बाद अपघटन, इस तरह से साइकिल चलते रहता। और कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ दोनों क्या रहता है, वातावरण में मतलब मेंटेन रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं जलवायु। जलवायु भी क्या है, एक अजैविक घटक है। पहला देख लिया अपना लोग कौन सी, कार्बनिक पदार्थ, दूसरा देख लिया, पहला देख लिया अकार्बनिक पदार्थ, दूसरा देख लिया कार्बनिक पदार्थ, अब तीसरा देख रहे हैं जलवायु। जलवायु एक यह एक जटिल घटक है जिसमें प्रकाश, जल, वर्षा, आर्द्रता, तापमान इत्यादि आते हैं। जलवायु पौधों तथा प्राणियों के वितरण को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यह अभी क्या है, अजैविक घटक। तो अजैविक घटक में क्या क्या चीज आ गया, कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ये सब हो गया और कार्बनिक पदार्थ। उसके बाद कार्बनिक पदार्थ जो जीव मरेगा उससे कार्बनिक पदार्थ आया, वो सब हो गया कार्बनिक पदार्थ। उसके बाद हो गया प्रकाश, हो गया जल, हो गया वर्षा, हो गया आर्द्रता, हो गया तापमान, हो गया, ये सब कौन चीज़ है, अजैविक घटक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब अपना लोग अजैविक घटक देख लिए, उसके बाद देखते हैं कौन चीज, जैविक घटक, जो कि दूसरा घटक है किसका, पारितंत्र का दूसरा घटक। ठीक है, जैविक घटक या सजीव घटक, इसके अंतर्गत जीवित जीव आते हैं। तो पहले बता दीजिए जैविक घटक के अंतर्गत कौन आएगा, जीवित जीव आएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जीवित जीव आते हैं। इसकी पोषण विधि के आधार पर घटकों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है, पहचाना जा सकता है। सभी जैविक घटक को निम्न वर्गों में बांटा गया। अब देखिए जितना भी जैविक घटक है उसको क्या किया गया, कुछ कैटेगरी में बांटते हैं, जैसे स्वपोषी हो गया, कुछ परपोषी हो गया। ठीक है, इस कैटेगरी में क्या किया गया है, बांट गया। जैविक घटक कहने का मतलब हो गया जितना भी सजीव है, जीव है, वह सब किस में आएगा, जैविक घटक में। ठीक है, तो अब देखिए पहला देख लें इसे कौन कौन कैटेगरी में बांटा गया। तो पहला देख लेते हैं स्वपोषी घटक। इसके स्वपोषी घटक को ही उत्पादक कहा जाता है। जैसे पेड़ पौधा है तो अपना भोजन के लिए किसी पर डिपेंड रहता है, नहीं रहता, वो अपना भोजन सूर्य से बनाता है। ठीक है, सूर्य से प्रकाश लेकर अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसीलिए उसे क्या कहेंगे, स्वपोषी घटक। उसी को अपना लोग उत्पादक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे तथा प्रकाश संश्लेषी जीवाणु आते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश तथा अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थ, हरे पेड़ पौधा जो है सूर्य से कौन चीज लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से जल, खनिज लवण लेकर के अपना कौन चीज बनाता है, भोजन बनाता है। भोजन बना के कौन चीज, कार्बनिक पदार्थ बनाता है। जितना भी जीव है वो भोजन अपना शरीर में जो मतलब स्टोर करता है किस रूप में करता है, तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में करता है, कार्बनिक पदार्थ के रूप में करता है, ग्लूकोज के रूप में करता है ना। तो हरे पेड़ पौधे जो है सूर्य के प्रकाश और अकार्बनिक पदार्थ CO2 ये सब ले करके, मतलब CO2 और खनिज लवण ये सब ले करके कार्बनिक पदार्थ बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है ना। इसके बनाए गए भोजन का उपयोग परपोषी कर, और ये जो भोजन बनाता है हरे पेड़ पौधे उसका उपयोग कौन करता है, इस पर जो जीव निर्भर रहता है, अपना लोग भी क्या है, परपोषी है, इस पर निर्भर रहते हैं। तो ये सब भोजन जो है उत्पादक जो बनाता है, स्वपोषी जीव जो बनाता है, उसका उस पे भोजन पे कौन निर्भर रहता है, परपोषी निर्भर रहता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण सक्षम हरे पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, रसायन संश्लेषी जीवाणु आदि सभी पारितंत्र के स्वपोषी घटक। जितना भी मतलब नील हरित शैवाल हो गया, हरा पेड़ पौधा हो गया, और कुछ जीवाणु भी है जो क्या कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण का काम कर सकता है, वो सभी जो है किस में आता है, वो सब सभी स्वपोषी जीव है। ठीक है, और उत्पादक में आता है। ठीक है, ये आगे देख लेते। अगला है परपोषी घटक। ठीक है, अगला कौन चीज है, परपोषी घटक। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, परपोषी करने का मतलब जो दूसरे पर पोषण के लिए क्या निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं, पर मतलब क्या होता है, दूसरा, पोषी मतलब पोषण के लिए जो दूसरे पर निर्भर है उसे क्या कहेंगे, परपोषी। ठीक है, तो परपोषी घटक ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं तथा दूसरे पर भोजन के लिए क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं, इनको उपभोक्ता भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया स्वपोषी जिसको उत्पादक कहते हैं, दूसरा हो गया जो उत्पादक पर निर्भर होता है परपोषी, जिसको क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं इंग्लिश। ठीक है, अब देखिए इस कंज्यूमर में भी इसको कितना भाग में बांटा गया है, मेनली तीन भाग में, कौन कौन, प्राथमिक वाला, द्वितीयक वाला, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक। प्राथमिक जो होगा वो कौन चीज होगा, शाकाहारी होगा। द्वितीयक जो होगा वो कौन चीज होगा, शाकाहारी को खाएगा तो कौन चीज होगा, मांसाहारी होगा, लेकिन छोटा मांसाहारी होगा।
फिर उसको जो खाएगा तृतीय होगा, तो तृतीय क्या होगा, उच्च मांसाहारी होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। चलिए, शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता हर्बीवोरस जिसको कहते हैं, ये जंतु भोजन के लिए हरे पर पौधे का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो है शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता जो है ये भोजन के लिए किसको उपयोग करते हैं, उत्पादक को उपयोग करते हैं, यानी हरे पेड़ पौधे का उपयोग करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, शाकाहारी जीव, साथ साथ इसी को क्या कहा जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता भी कहा जाता है। जैसे हो गया कीट पतंग, हो गया मोलस्का, हो गया बकरी, हो गया गाय, हो गया ये सब क्या कहता है, घास खाता है, पेड़ पौधा खाता है, तो ये सब हो गया कौन चीज, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला बात है, अगला है द्वितीयक उपभोक्ता, या इसी को क्या कहते हैं, सर्वभक्षी कहते हैं। ठीक है, ओमनिवोरस इसे कहते हैं। यह अपना भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे और शाकाहारी मांसाहारी आदि का उपयोग करते हैं, जैसे पक्षी हो गया, मछली हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गिद्ध हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। तो देखिए, द्वितीय उपभोक्ता क्या कहलाएंगे, सर्वभक्षी, क्या कहलाएंगे, सर्वभक्षी कहलाएंगे। ये घास भी खा, मतलब प्राथमिक पर भी निर्भर रहेगा और क्या कहते हैं, द्वितीयक पर भी निर्भर रहेगा, मतलब क्या कहते हैं, उत्पादक पर भी निर्भर रहेगा और प्राथमिक उपभोक्ता पर भी निर्भर रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए पक्षी हो गया, तो पक्षी मतलब कीड़ा मकोड़ा खाइए सकता है, तो कीड़ा मकोड़ा घास पर निर्भर रहेगा। फिर उसको जो है मछली हो गया, तो मछली भी जो है क्या कहते हैं, नदी तालाब में जो नील हरित शैवाल रहता है उसको खाता है। ठीक है, तो ये मेनली जो है किसको खाएगा, उत्पादक को खाएगा, लेकिन कभी कभार जो है ये क्या करते हैं, प्राथमिक बला को भी क्या करता है, खा लेता। ठीक है, तो उत्पादक को खाएगा, मेनली मतलब प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा, लेकिन उसके साथ साथ किसको खा सकता है, उपभोक्ता को भी खा सकता है, क्या कहते हैं, उत्पादक को भी खा सकता है, यानी पेड़ पौधा को भी ये खा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला कौन चीज़ है, मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता, जिसको क्या कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। ये अपना भोजन जो है शाकाहारी तथा अन्य मांसाहारी के मांस को खाकर प्राप्त करें। ये बिल्कुल क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, उच्च मांसाहारी होते हैं, जैसे हो गया शेर, हो गया चीता, हो गया मेंढक, ये सब जो है आपको क्या करता है, ये जितना भी शाकाहारी जीव है उसी को खा के अपना भोजन मतलब अथी करता है। ठीक है, शाकाहारी जीव, तो ये तृतीयक उपभोक्ता जो ये द्वितीय को भी खाता है और प्राथमिक को भी खाता है। ठीक है, और द्वितीय जो था इसको किसको खा रहा था, तो वो जो है उत्पादक को खा रहा था और प्राथमिक को भी खा रहा था। ये किसको किसको, ये प्राथमिक और द्वितीय दोनों को खाता है, तो इसको क्या कहते हैं, तृतीय को उपभोक्ता कहते हैं भाग से। इसके बाद फिर इसको खाने वाला कोई नहीं, ये लास्ट सबसे उच्च मांसाहारी हो गया, सबसे उच्च उपभोक्ता हो गया। अब देखिए अगला क्या है, अपघटक। अपघटक के तो शुरू में भी बता चुके हैं, अपघटक क्या होता है, मतलब प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक जो भी है जीव अपना खाया, उसके बाद अगर मरेगा तो उसका अपघटन करता है, कि कौन अपघटन करता है, जीवाणु और कवक करता है, तो उसे कहते हैं अपघटन करता है। ठीक है, मुख्य रूप से वे जीव जो मृत अथवा सजीव के शरीर में मिलने वाले जटिल यौगिक का अपघटन करते हैं तथा अकार्बनिक तत्वों को स्वपोषण के उपयोग हेतु मुक्त करते हैं, इसमें से मुख्य है जीवाणु और कवक। ये सब जीवाणु और कवक जो है जब जीव मरता है, मृत हो जाता है, तो उसके शरीर को अपघटित करके उसे कार्बनिक पदार्थ क्या करता है, मुक्त कर देता है, वातावरण में मुक्त कर देता है, जिससे ये साइकिल क्या होता है, चलते रहता है, तो इसको कहते हैं अपघटन। और इसको कवक जीवाणु जो होता है इसको क्या कहते हैं, अपघटन करता कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे वो छोटा सा डायग्राम है, यहाँ देखिए सूर्य के प्रकाश से ये भोजन बना है, सूर्य के प्रकाश से ये पेड़ पौधा है। ठीक है, दिख रहा ये पेड़ पौधा, ये पेड़ पौधा दिख रहा है ना, तो ये पेड़ पौधा जो है सूर्य के प्रकाश से क्या किया, भोजन बनाया, इसको खा गया। इसको कौन खाया, मान लीजिए ये कीट है, ये खाया, कीट को कौन खाया, पक्षी खाया, पक्षी को कौन खाया, गिद्ध खा गया। फिर इस तीनों ठो अपघटित हुआ, तो सब जो भी अपघटित होगा उसको क्या करेगा, ये अपघटन जीवाणु कवक सब जो है उसको अपघटित करके फिर क्या करेगा, वातावरण में मिला देगा। तो ये देखिए पेड़ पौधा हो गया, यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता, इसको कीट खाया, ये द्वितीय उपभोक्ता, इसको पक्षी खाया, इसको तृतीय उपभोक्ता, पक्षी को बाज, बड़का पक्षी खा गया, मतलब बाज गिद्ध इस सब खा गया, तो इसको क्या कहेंगे, तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, सब अपघटित होगा, मरेगा तो इसको फिर अपघटित करेगा जीवाणु कवक ही सब करेगा, तो इसको कह दिए कौन जी, आप घटक कह दिए। ठीक है, तो ये डायग्राम भी समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं।
अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपको कौन सी उत्पादक हो गया, ठीक है, उत्पादक यानी पेड़ पौधा हो गया, तो इसे अपना लोग कहेंगे पहली पोषण स्तर, जिसमें कौन चीज आता है, पादप आता है, जैसे पादप प्लवक घास वृक्ष ये हो गया कौन चीज प्राथमिक उत्पादक हो गया, तो इसको कहेंगे पहली पोषण स्तर, ठीक है। इसको खाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, पहली पोषण प्राइमरी, इसको कहेंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर, शॉर्ट में इसे कहेंगे पीपी, शॉर्ट में इसे क्या कहेंगे पीपी, ठीक है। दूसरा है प्राथमिक उपभोक्ता, जो मतलब उत्पादों को खाएगा उसे क्या कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, तो इसको शॉर्ट में कहेंगे अपना लोग कौन सी पीसी प्राइमरी कंज्यूमर, इसे क्या कहेंगे पीसी यानी प्राइमरी कंज्यूमर। इसको खाएगा सेकेंडरी उपभोक्ता, तो इसे कहेंगे अपना लोग एससी, इसे क्या कहेंगे एससी। और इसको खाएगा अगला वाला, तो यहाँ होना चाहिए तृतीयक होना चाहिए, ठीक है, तृतीयक होना चाहिए, तो इसको अपना लोग कहेंगे कौन सी टीसी, इसको क्या कहेंगे टीसी। बात समझ में आया। तो प्राथमिक में पहला पोषण स्तर जो होता है इसमें पादप होता है, जैसे पादप प्लवक घास हो गया वृक्ष हो गया, ठीक है। दूसरा पोषण प्राथमिक उपभोक्ता, जो उत्पादों को खाएगा उसे क्या कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, तो प्राथमिक उपभोक्ता को कहेंगे द्वितीयक पोषी स्तर, क्या कहेंगे इसे द्वितीय पोषी स्तर, जिसमें शाकाहारी आएगा, इसमें कौन चीज आएगा जंतु प्लवक हो जाएगा, टिड्डा हो जाएगा, गाय आ गया, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये हो गया उत्पादक हो गया आपको कौन चीज पहला पोषण स्तर, इसमें पादप आ गया, द्वितीय पोषण स्तर कौन जगह आ गया प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, इसमें शाकाहारी जीव आएगा, ठीक है, जैसे जंतु प्लवक हो गया, टिड्डा हो गया, गाय हो गया। उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता जो है ये तृतीय पोषी स्तर में आएगा, ठीक है, कौन पोषी स्तर में आएगा तीसरी पोषण स्तर में आएगा, जिसको अपना लोग क्या कहते हैं मांसाहारी कहते हैं, जैसे पक्षी हो गया, मछली हो गया, भेड़िया हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला पोषण स्तर जो है जिसको कहेंगे चौथा पोषण स्तर, ये उच्च मांसाहारी हो गया, मनुष्य हो गया, शेर हो गया, ठीक है, ये कौन उपभोक्ता हो गया, तो ये हो गया तृतीय उपभोक्ता, जिसको शॉर्ट में क्या कहेंगे टीसी कहेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम क्लियर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, गहरे समुद्र में जलीय तंत्र को छोड़कर पृथ्वी पर सभी पारितंत्र के लिए एकमात्र ऊर्जा का स्रोत कौन सी है सूर्य। अब गहरा समुद्री तल अगर छोड़ दिया जाए तो जितना भी पृथ्वी पर जीव है उसका मेन ऊर्जा का स्रोत कौन चीज है सूर्य है। आपतित सौर विकिरण का 50% से कम भाग प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण होता है, मतलब उसका 50% से लगभग कुछ ही कम भाग में क्या होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, ठीक है। पादप केवल 2-10% प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण का उपयोग करते हैं, तो उसका लगभग कितना प्रतिशत 2-10%, 2-10% उपयोग जो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन यूज करता है पादप यूज। यही आंशिक मात्रा की ऊर्जा संपूर्ण विश्व का संपोषण करती है, और यही जो बचा जितना आंशिक मात्रा है, मतलब थोड़ा सा यूज किया ना पेड़ पौधा, तो वही आंशिक मात्रा पूरा विश्व का क्या करता संपोषण करता, उसी पर उत्पादक के पे सब डिपेंड करते अपना लोग जितना भी है, ठीक है। पृथ्वी के सभी जीव आहार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर करते हैं। उत्पादक सूर्य से ऊर्जा लिया, उस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना लोग निर्भर है, यानी उपभोक्ता निर्भर है, ठीक है। अतः सूर्य से उत्पादक की ओर फिर उपभोक्ता की ओर ऊर्जा का क्या होता है एक दिशीय प्रभाव होता है। सूर्य से ऊर्जा लिया उत्पादक, उत्पादक से उत्पादक में पहले कौन प्राथमिक उत्पादक में ले लिया, उसके बाद उत्पादक से किस में जाएगा उपभोक्ता में, उपभोक्ता में पहले कौन प्राथमिक उपभोक्ता, उससे फिर किस में जाएगा द्वितीयक में, फिर उससे तृतीयक में। तो ये जो है एक दिशीय, एक ही दिशा में जा रहा है ना, तो इसको कहेंगे एक दिशीय ऊर्जा का क्या हो रहा है प्रभाव, सूर्य से लेकर किधर तृतीयक उपभोक्ता की तरफ एक दिशीय ऊर्जा का क्या हो रहा है प्रभाव हो रहा है, ठीक है। तो यही लिखा गया है, एक दिशीय क्या होता है प्रभाव होता है ऊर्जा का, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, ये डायग्राम तो अभी देख रहे किए हैं तुरंत। अब देखिए, खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण जीव के पोषी स्तर से अन्य स्तर में अपहरासन एवं भोजन की ऊर्जा में प्रमुख अंश की ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती। लिंडेमान के अनुसार लगभग 10%
भागी भोजन की ऊर्जा को प्रत्येक कोशिका स्तर पर संरक्षित रहता है, इसे लिंडमान का 10% नियम है। अब देखिए जितना भी कोशिका स्तर है, अभी कोशिका स्तर पढ़े अपना लोग प्राथमिक, ये वाला कोशिका स्तर जो पढ़े, ये वाला जो कोशिका स्तर पढ़े, तो इसमें देखिए ये बोला थे, हाँ ये वाला जो कोशिका स्तर है, तो ये देखिए प्राथमिक कोशिका स्तर, ये द्वितीयक हो गया, ये तृतीयक हो गया। तो प्रत्येक कोशिका स्तर में जो है सिर्फ 10% ऊर्जा का क्या होता है, संरक्षण होता है, मतलब स्टोर करता है, बाकी 90% या तो वेस्ट हो जाता है या क्या कर लेता है, उपयोग करता है। और इसी नियम को कहा जाता है लिंडमान का कौन चीज, 10% नियम कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र की कौन सी उत्पादकता, अगला टॉपिक अपना लोग देख लेते हैं कौन सी, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता। और देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में जो है किसी भी पोषी स्तर द्वारा इकाई क्षेत्रफल एवं प्रति इकाई समय में कार्बनिक पदार्थ के संश्लेषण की दर को उस पोषी स्तर की क्या कहा जाता है, उत्पादकता। मतलब पर यूनिट एरिया में पर सेकेंड जितना मतलब कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण हुआ, जितना कार्बनिक पदार्थ का क्या होगा, संश्लेषण होगा, उसे उस पोषी स्तर का, जैसे प्राथमिक द्वितीयक था तो प्राथमिक पोषी स्तर का या द्वितीयक, उस पोषी स्तर का क्या कहेंगे, उत्पादकता। ठीक है, उत्पादकता को निम्न, उत्पादकता कितना प्रकार की होती है, तीन प्रकार का, एगो हो गया कौन सी प्राथमिक उपभोक्ता माथी उत्पादकता, एगो हो गया द्वितीयक सॉरी प्राथमिक उत्पादकता, दूसरा हो गया द्वितीयक उत्पादकता, और तीसरा कौन चीज़ है, शुद्ध उत्पादकता। ठीक है, तो अब अपना लोग पहला देख लेते हैं कौन सी, प्राथमिक उत्पादक। ठीक है, इनमें से हरे पेड़ पौधे प्राथमिक उत्पादकता में कौन होता है, तो इनमें प्राथमिक उपभोग मतलब उत्पादकता में कौन चीज आएगा, तो इसमें आएगा हरा पेड़ पौधा, पादप प्लवक हो गया, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हो गया, कुछ सीमा तक रसायन संश्लेषी जीवाणु भी आते हैं इसके द्वारा। प्रकाश संश्लेषण एवं रसायन संश्लेषण की क्रिया से सौर ऊर्जा को कार्बनिक यौगिक के रूप में परिवर्तन करने की दर को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। और प्राथमिक उत्पादकता दो प्रकार की होती है, प्राथमिक उत्पादकता में कौन आएगा, तो पेड़ पौधा जो है पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया में पर सेकेंड जितना कार्बनिक पदार्थ बनाएगा, तो उसमें प्राथमिक उपभोक्ता कौन सी, पेड़ पौधा पादप कुल ये सब आता है। तो ये जो पर यूनिट एरिया में पर सेकेंड जितना ऊर्जा मतलब कार्बनिक पदार्थ बनाएगा, उसे क्या कहेंगे, प्राथमिक उत्पादकता कहेंगे। ठीक है, प्राथमिक उत्पादकता जो होता है कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, कौन कौन तो देख लेते हैं, एक होता है सकल प्राथमिक उत्पादकता, दूसरा होता है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर, एक वो सकल मतलब सॉफ्ट जितना है सॉफ्ट, एक वो होता है शुद्ध प्राथमिक उत्पादन मतलब नेट। ठीक है, मतलब एगो हो गया ग्रॉस, एगो हो गया कौन चीज, नेट। तो ग्रॉस और नेट में क्या अंतर है, एगो मतलब ग्रॉस करने का मतलब जितना भी चीज है सबको एक साथ जोड़ दीजिए तो हो गया ग्रॉस, उसमें से कुछ जो मतलब हानि हुआ है ह्रास हुआ है उसको अगर घटा देंगे उसमें से, तब जो बचेगा उसके कहेंगे नेट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ग्रॉस के बारे में पढ़ ली, सकल प्राथमिक उत्पादकता कहने का मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, GPP। प्राथमिक उत्पादकों द्वारा निश्चित इकाई क्षेत्रफल एवं इकाई समय में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाए गए कार्बनिक पदार्थ की कुल मात्रा, कार्बनिक पदार्थ की कुल मात्रा को कहेंगे ग्रॉस। कार्बनिक पदार्थ जितना पर यूनिट एरिया पर सेकेंड जो कार्बनिक पदार्थ बनाया, तो कुल मात्रा जितना बनाए उसे क्या कहेंगे, ग्रॉस। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, GPP। ठीक है, अब देखिए शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या होता है, तो उत्पादकों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में बने कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का कुछ भाग जो है श्वसन क्रिया में क्या कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है। अब जितना कार्बनिक पदार्थ बनाया कौन, उत्पादक जो बनाया कार्बनिक पदार्थ, तो उसमें से कुछ भाग क्या किया, श्वसन में उपयोग कर लिया, अपने सांस लेने में कौन श्वसन की क्रिया में क्या कर लिया, उपयोग कर लिया उपयोग। इसके पश्चात शेष बचा जो विभिन्न रूप से जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा आदि का क्या करता है, संचयन करता है, स्टोर करता है। बाकी कुछ तो श्वसन में उपयोग कर लिया, कुछ स्टोर कर लिया कौन सी के रूप में, कार्बोहाइड्रेट वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में स्टोर कर लिया। ठीक है, इस प्रकार प्राथमिक उत्पादकों द्वारा संचित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा शुद्ध उत्पादकता का है। तो वही बताएं, जब देखिए जितना भी उत्पादकता किया उसका मतलब टोटल को कहेंगे ग्रॉस, उसमें से कुछ अपना उपयोग कर लिया उसको घटा देंगे तो जो बचेगा उसको क्या कहेंगे, नेट। तो देखिए NPP बराबर क्या होगा, GPP में से रेस्पिरेशन यानी श्वसन में जो उपयोग किया उसको घटा देंगे
तो वो हो जाएगा एनपीपी, जीपीपी में श्वसन का कुछ हटा देंगे तो जो बचेगा वो कौन सी बचेगा, एनपीपी यानी नेट बचेगा। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए द्वितीयक उत्पादकता, ठीक है ये क्या होता है। प्राथमिक उत्पादकता हो गया पेड़ पौधा द्वारा जो पर यूनिट एरिया पर सेकेंड जो बनाया जितना कार्बनिक पदार्थ बनाया उसे क्या कहिए, देखिए प्राथमिक उत्पादकता। अब देखते हैं दूसरा कौन चीज, द्वितीयक उत्पादकता, जब ऊर्जा संचयन की दर को उपभोक्ता स्तर पर मापा जाता। अब उपभोक्ता स्तर पर जब उसे मापेंगे अपना लोग, उत्पादकता स्तर पर नाप लिए, अब उपभोक्ता स्तर पर जब उसे नापेंगे तो उसे कहेंगे अपना लोग कौन सी, द्वितीयक उत्पादकता। ठीक है तो इसे द्वितीयक उत्पादकता कहा जाता है। ठीक है जब ऊर्जा संचय की दर स्टोर की जो दर है वो उपभोक्ता स्तर पर कंज्यूमर मतलब लेवल पर जब उसको नापते हैं तब उसको क्या कहते हैं अपना लोग, इसे द्वितीयक उत्पादकता कहा जाता है। ठीक है प्राथमिक स्तर पर संश्लेषित कार्बनिक पदार्थों का उपयोग उपभोक्ता करते हैं। प्राथमिक स्तर पर जो कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण होगा उसका कौन उपयोग करेगा, प्राथमिक उपभोक्ता, उसका फिर कौन करेगा, द्वितीयक उपभोक्ता, फिर उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता। तब प्राथमिक स्तर पर जो संश्लेषित कार्बन पदार्थ उसका उपयोग क्या करता है, उपभोक्ता करता है और इसे अपने शरीर के अनुकूल पदार्थों के रूप में सम्मिलित कर लेता है। जब किसी समुदाय में संचित पदार्थों की मात्रा उपयोग में लाए गए नए पदार्थ से अधिक हो जाती है तो इसे संपूर्ण समुदाय के लिए जीवभार में वृद्धि होती है। ठीक है उपभोक्ता द्वारा जो बचा है अधिक मात्रा में संचित पदार्थों के कारण पूरे समुदाय के जीवभार में वृद्धि होती है और इसे द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। अब देखिए प्राथमिक प्राथमिक वाला बनाया उत्पादक बनाया, उसका जो ऊर्जा का कुछ भाग था वो अपने में स्टोर किया। ठीक है उसका जो बचा रहा अगला को बढ़ाया, अगला जो है उसको उपभोक्ता जो उसका उपयोग किया तो उसे उसका जो उपयोग किया तो किया, फिर अगला को बढ़ा दिया। ठीक है आगे बढ़ा दिया तो इसे कहेंगे अपना लोग कौन सी, द्वितीयक उपभोक्ता उत्पादकता। ठीक है द्वितीयक उत्पादकता कहते। ठीक है तो आगे देख लेते हैं अगला है कौन चीज, शुद्ध उत्पादकता। अगला कौन चीज है शुद्ध, तीसरा कौन चीज हो गया, एगो हो गया उत्पादकता तीन प्रकार, एगो प्राथमिक एगो द्वितीयक एगो शुद्ध। अगला देखिए उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग कर लिए जाने के पश्चात जो कुछ भी कार्बनिक पदार्थ प्राथमिक उत्पादकों में शेष बचा रह जाता है उसे प्राथमिक उत्पादकों के जीव भार में कौन सी होती है, वृद्धि होती है। अब देखिए जितना उपयोग करना था कर लिए और जितना बच गया उसका उपयोग करता है जिसके कारण उसके जीव भार में कौन सी हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। शेष बचा जो रहता है उसे क्या होता है, प्राथमिक उत्पादकता के जीव भार में कौन सी होता है, वृद्धि होता है। इकाई समय में जीव भार में हुई इसी वृद्धि को क्या कहते हैं, शुद्ध उत्पादकता। ठीक है प्राथमिक उपभोक्ता जो है ये उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले पश्चात जो कुछ भी कार्बनिक पदार्थ बच जाता है उसे प्राथमिक उत्पादक में शेष बच जाता है उसे जो है प्राथमिक उत्पादक के जीव भार में कौन चीज होती है, वृद्धि होती है। और इकाई समय में जीव भार में हुई इसी वृद्धि को, जितना बच गया उसे जीव भार में क्या होगा, इसका वृद्धि होगा, जीव के भार में कौन चीज होगा, वृद्धि होगा। अब इकाई समय में जितना जीव भार में वृद्धि होगा उसी को कहते हैं कौन चीज, शुद्ध उत्पादक। क्लियर हो गया चलिए आगे देख लेते हैं। अब अगला हेडिंग है इसमें कौन चीज, खाद्य श्रृंखला। ठीक है तो आज के वीडियो में रहने देते हैं इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग का अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।